हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के फैशन न्यू वीडियो। मैं आ चुकी हूँ आज न्यू ब्लॉग के साथ। और काफ़ी दिनों से हमें इतनी ज़्यादा डिमांड हुई है, मतलब इतनी ज़्यादा डिमांड मैंने कभी नहीं देखी किसी भी प्रोडक्ट के लिए। बट इस प्रोडक्ट के लिए मुझे इतने सारे कमेंट्स आए हैं, मैसेजेस आए हैं कि आप प्लीज़ इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो हमारे साथ शेयर कीजिए। तो फाइनली वो वीडियो आज आप लोगों के साथ शेयर होने वाली है। और वो वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है वो मैं बताना चाहूँगी कि ये है हुड्डी, जो कि अभी इन दिनों विंटर सीजन के लिए हमने बनाई है। काफ़ी सारी कस्टमाइज भी है और कुछ डिज़ाइन भी हमने की है। तो उसी की कंप्लीट डिटेल मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, कंप्लीट वीडियो आपके साथ शेयर होने वाला है। तो अगर आपके कोई भी इशू हो, कुछ भी उसका टॉपिक आपको समझ में ना आए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछना। और आज जो हुड्डी आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं वो डबल एक्सल साइज का है, तो प्लीज़ आप उसी के अकॉर्डिंग उसे सीखे। और वैसे उसका जो साइज़ है, जो भी उसका कटिंग का प्रोसीजर रहने वाला है, उससे आप एम से एल साइज़ के भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। बस ये है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन का फ़र्क होता है। तो अगर आप रेगुलर स्टिचिंग करते हैं तो वो उतना तो आप कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। तो चलो हम कटिंग को करते हैं स्टार्ट। तो ये मैंने लिया है वूलन फैब्रिक, जो कि कट पीस है, क्योंकि इस फैब्रिक की लेंथ और विड्थ बहुत ज़्यादा आती है, इसलिए मैंने इसे कट करके लिया है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी लेंथ बता दूं, लेंथ है इसके 25.5 इंच और विड्थ है 12.5 इंच। तो सबसे पहले हम करेंगे शोल्डर की मार्किंग, जो कि हम लेंगे 8.5 इंच। तो 8.5 इंच हमें यहाँ से मार्क कर लेना है। उसके बाद शोल्डर को हम 1 इंच नीचे डाउन करके मार्किंग लगाएंगे, कुछ इस तरीके से। फिर यहाँ से हम शोल्डर की जो विड्थ है वो रखेंगे 6 इंच, और फिर गले का लेंथ हम रखेंगे 3 इंच, और गले को इस तरीके से हम गोलाई दे देंगे। ये गला सिर्फ आगे से कट होना है, पीछे से हमें कोई गला कट नहीं करना है। अभी करेंगे हम आर्म होल की मार्किंग, जो कि हमें लेने हैं 7.5 इंच, और यहाँ पे भी इस तरीके से कर्व हमें लगा देना है। तो जो मार्किंग हमने की है उसकी कर लेंगे हम कटिंग। गला जो है वो सिर्फ हमें आगे से कट करना है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, और जब आप कटिंग करें तो एक लेयर इस तरीके से अलग कर लें। ये हमारे गले की कटिंग हो गई है। अभी बैक पार्ट को हटा के हम आगे में कट लगाएंगे, क्योंकि आगे हमें जिप अटैच करनी है। इसे पूरा अच्छे से फोल्ड करके आगे हम ऐसे कट लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे जिप अटैच होगी हमारी। तो हमारे फ्रंट एंड बैक पार्ट की कटिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है। अभी करेंगे हम आगे का पार्ट। तो अभी हम करने वाले हैं स्लीव की कटिंग। तो सेम स्लीव के लिए भी मैंने ये कट पीस काट के ले लिया है। स्लीव की लेंथ मैंने ली है 21.5 इंच, और नीचे में हम 2 इंच की पट्टी अटैच करेंगे, ताकि स्लीव की जो फिनिशिंग है बहुत ही अच्छी आए। इसकी विड्थ मैंने ली है 10 इंच। तो अभी यहाँ से हम आर्म होल का मार्किंग करेंगे, वो हम लेंगे 4.5 इंच ऊपर से। इसमें फ्रंट एंड बैक कुछ भी अलग से कट नहीं करना है। नीचे का जो है वो हम लेंगे 6.5 इंच। स्लीव की जो नीचे से विड्थ होती है वो हम लेंगे 6.5 इंच। यहाँ से ऐसे कर्व देते हुए मैं सीधा कट कर रही हूँ, आप मार्किंग करके कट कर ले। ये हमारी स्लीव की कटिंग हो चुकी है। इसके बाद हम करेंगे कैप की कटिंग। इसमें आगे या पीछे के जैसे नॉर्मली हम स्लीव में फ्रंट में थोड़ा सा और कटिंग करते हैं एक्स्ट्रा, ताकि उसकी फिटिंग अच्छी आए, बट ये लूज रहती है तो इसमें उसकी ज़रूरत नहीं होती है। ये कैप के लिए मैंने फैब्रिक ले लिया है। इस फैब्रिक की लेंथ मैंने 20 इंच ली है, और विड्थ ली है 11.5 इंच, जिसमें से 16 इंच की हम कैप निकालेंगे, और जो 4 इंच बचेगा वो हम स्लीव में जो आगे हम पट्टी अटैच करने वाले थे उसके लिए लेंगे। और फैब्रिक आप जब भी ये कटिंग करें तो इसको, इसकी जो लेयर है वो इक्वल हो, ये आप पहले देख लें, क्योंकि ये फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। आप जब कटिंग करोगे तो भी स्लिप होता रहता है, तो इस चीज़ का खास के आप ध्यान रखें। अभी कैप के लिए यहाँ से हम करेंगे 3 इंच की मार्किंग। फोल्ड वाली जो साइड है, जिस तरफ से आपने फैब्रिक को फोल्ड कर रखा है, वो साइड हमेशा अपनी तरफ रखें। यहाँ से हम करेंगे 2.5 इंच की मार्किंग, और यहाँ से कर्व देते हुए इस तरीके से हमें मार्क कर लेना है। ये जो साइड है ये हुड्डी पे नेक साइड है, वहाँ अटैच होगी। और ऊपर अब कैप को हम गोलाई देंगे, तो दोनों तरफ से पहले इसको हम स्ट्रेप को कट कर लेंगे,
ये स्लीव के आगे अटैच होनी है। अभी कैप को ऊपर से हमें थोड़ी गोलाई देनी होगी, तो यहाँ से हम 4-4 इंच पे मार्किंग करेंगे और ऊपर से करेंगे हम 3 इंच पे, और इसे इस तरीके से गोलाई देते हुए मार्क कर लेंगे। और फिर ये हमारी कैप की कटिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो ये कैप भी हो गई है। अभी हम करेंगे हमारा आगे का काम, जो कि है पॉकेट। तो पॉकेट के लिए भी हमें फैब्रिक ले लेना है। पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि पॉकेट की शेप किस तरीके की होती है, ताकि आपको समझ आए। इसकी विड्थ मैंने ली है 10 इंच और लेंथ ली है 9 इंच। अब दोनों में कोई भी करेक्शन कर सकते हैं, लेंथ 10 इंच, विड्थ 9 इंच, वैसे भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये इस तरीके से हमें ले लेना है। ऊपर से हम इसमें भी सेम गोलाई देंगे, जो कि 3 इंच पे आपको मार्क कर लेना है, और इधर साइड में आपको 5.5 इंच पे मार्किंग करना है दोनों साइड। फिर यहाँ से गोलाई देते हुए मार्क करके इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारी पॉकेट की कटिंग भी हो चुकी है। ये एक एक पार्ट हमने कट किया है, एक एक इसमें हम लाइनिंग का यूज करेंगे, ताकि हमारी हुड्डी के साथ अच्छे से अटैच हो सके। साथ ही साथ ये मैंने ले लिया जिप, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है और नीचे से लॉकिंग वाली है। तो चलो स्टिचिंग को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम पॉकेट को रेडी करेंगे, उसके लिए सेम इसी शेप की हमें लाइनिंग कट कर लेनी है और चारों तरफ इसमें सिलाई लगा लेंगे। सिर्फ एक साइड हमें खुला रखना है, जो कि हुड्डी के साथ अटैच होगा। ध्यान से देखेंगे मैं किस तरफ सिलाई लगा रही हूँ और किस तरफ से मैं खुला छोड़ रही हूँ। जो कि ये राउंड है पूरा, ये हमें स्टिच कर लेना है, नीचे से हमें स्टिच कर लेना है। ओनली एक साइड हमें खुली रखनी है पॉकेट की, इस तरीके से। ये एक साइड में खुली रखूंगी, जो कि हुड्डी के साथ अटैच होगी। इसी तरह दूसरी पॉकेट को भी हमें रेडी कर लेना है। तो ये मेरी दोनों पॉकेट रेडी हो चुकी है। इसके बाद हम करेंगे स्लीव का काम। स्लीव पे जो हमें आगे स्ट्रैप हमने कट की थी, वो हम अटैच करेंगे। तो ये जो स्ट्रैप है, ये थोड़ी लेंथ में कम है, तो इसे हमें किस तरीके से अटैच करना है, वो आप गौर से देखिएगा। इस स्ट्रैप को हमें थोड़ा थोड़ा खींच के अटैच करना है, ताकि ये फिनिशिंग के बाद ऐसा लगे जैसे इसमें इलास्टिक डला हुआ है, क्योंकि ये फैब्रिक पूरा स्ट्रेचेबल होता है। तो अगर आप इसे खींच के अटैच करोगे, तो आगे से स्लीव की फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है, ये इस तरीके से। तो यहाँ पे एक सिलाई हमें लगा लेनी है इसे खींचते हुए। नीचे वाला कपड़ा बिल्कुल लूज रहना है, उसे नहीं खींचना है, ओनली इस पट्टी को खींचना है। फिर ऊपर से हम एक और सिलाई इसके ऊपर लगा देंगे। इससे क्या है कि आपकी सिलाई टूटती भी नहीं है और मजबूती आती है, काफी लंबे टाइम तक ये स्टिच खुलेगी नहीं। तो दोनों स्लीव मैंने इसी तरीके से रेडी कर ली है। अभी हम कैप के ऊपर की तरफ सिलाई लगानी है, तो वो लगा लेंगे। फोल्डिंग इसकी अभी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा नेक बाद में कितना तैयार होता है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें फोल्डिंग करनी है, कम ज़्यादा जो भी हमारे नेक की विड्थ रहती है उसके अकॉर्डिंग। अभी सिर्फ हम ऊपर से इसकी जो सिलाई है वो लगाकर इसको छोड़ देंगे। इस तरीके से हमें सिलाई लगा लेनी है। ये कैप भी हमारी तैयार हो चुकी है। अभी हम करेंगे आगे का काम, जो कि है हमें पॉकेट को अटैच करना है फ्रंट पार्ट के साथ। तो पॉकेट को अटैच करना सबसे मुश्किल काम रहता है। नीचे देखो, इस तरीके से हम फोल्डिंग के लिए देख लेंगे कि हमें कितना फोल्ड करना है। उसके बाद जो हमारी पॉकेट है, उसमें ऊपर की तरफ 1 इंच रखेंगे, नीचे 5 इंच पे हम मार्किंग करेंगे, और इसने आप 1-1 इंच बढ़ा के, फिर देखो लाइनिंग वाली जो साइड है इसे हम, देखो यहाँ पे ध्यान से आप देखना कि कौन सी साइड को मैं कहाँ पर अटैच कर रही हूँ। नीचे का जो फैब्रिक है उसकी फ्रंट साइड है, और लाइनिंग वाले फैब्रिक को मैं यहाँ से अटैच कर रही हूँ इस तरीके से, और ये फिर नीचे की तरफ फोल्ड होगी। यहाँ पे आपको सिलाई लगा लेनी है, और ध्यान रखेंगे नीचे वाला फैब्रिक बिल्कुल भी खींचे ना, क्योंकि ये स्ट्रेचेबल होता है, सॉफ्ट भी इतना होता है कि ये जब आप सिलाई करोगे तो फिसलता रहेगा। फिर यहाँ से कॉर्नर पे दोनों तरफ हम कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद इसे नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे, मतलब पलट देंगे,
पलटने के बाद एक और इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। और जब सिलाई लगाओ तो सिर्फ एक लेयर पे ही वो सिलाई लगनी चाहिए, पॉकेट की दोनों लेयर पे वो आपको साथ में नहीं लगानी। अगर आप साथ में लगा लोगे तो आपकी पॉकेट बंद ही हो जाएगी वहां पे, वो यूजफुल रहेगी ही नहीं बाद में। तो ये देखो मैंने पॉकेट तैयार कर ली है। सेम इसी तरीके से आपको दूसरी पॉकेट भी तैयार कर लेनी है। तो मेरी दोनों पॉकेट तैयार हो चुकी है। अभी इसके बाद हम शोल्डर से अटैच करेंगे इनको। एक साइड मैं आपको करके बताऊंगी, फिर दूसरी जो साइड है वो आपको उसी तरीके से सेम प्रोसीजर के साथ कर लेनी है। फर्स्ट आप शोल्डर को यहाँ से अटैच करेंगे, फिर इसे इस तरह पलट के एक वो सिलाई इसके ऊपर से लगाएंगे। इससे क्या होता है कि हमारी सिलाई टूटती नहीं है और हमें इंटरलॉक की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बहुत से लोगों के पास इंटरलॉकिंग की मशीन नहीं होती है। सेम इसी प्रोसेस के साथ हम स्लीव को भी अटैच कर लेंगे शोल्डर से। और ध्यान रखें जब भी आप अटैच करो दोनों फैब्रिक बिल्कुल आराम से हमें अटैच करने हैं, क्योंकि अगर एक भी फैब्रिक हमने थोड़ा सा भी खींच के अगर अटैच किया तो हमारी फिनिशिंग उससे बहुत ख़राब हो जाती है। इस तरीके से स्लीव को हम अटैच कर लेंगे। सेम वही प्रोसेस इसका भी रहेगा, इसके भी ऊपर से हम एक और सिलाई लगाएंगे और हमें इसे शोल्डर की साइड पे फोल्ड करना है, ना कि स्लीव की साइड पे। शोल्डर की साइड फोल्ड करके एक और सिलाई हम इसके ऊपर से लगा देंगे। सेम यही प्रोसेस हमें दूसरी तरफ भी फॉलो करना है। शोल्डर को अटैच करना है, ऊपर से एक सिलाई लगानी है, स्लीव को अटैच करना है, फिर ऊपर से एक सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से हमारे दोनों तरफ का काम हो चुका है, स्लीव हमारी अटैच हो चुकी है। इसके बाद हम करेंगे हमारी हुडी का आगे का वर्क। तो इतना आपको कर लेना है दोनों साइड से, देख सकते हो आप कितनी अच्छी इसकी फिनिशिंग आई है। तो मैंने दोनों तरफ से अटैच कर लिया है, अभी मैं करूँगी नीचे की इसकी फोल्डिंग। पर उससे पहले हमें क्या करना है, दोनों साइड से हमें सिलाई लगा लेनी है, क्योंकि फोल्डिंग ये करने के बाद करना है हमको। फोल्डिंग करने के बाद जब आप दोनों तरफ से अटैच करोगे तो वो सिलाई दिखती है बाहर की तरफ। तो हमें पहले साइड से अटैच कर लेना है इनको, देख सकते हो आप दोनों तरफ हमें सिलाई लगा देनी है। और जब आप सिलाई करो इस फैब्रिक पे तो हमेशा 5 नंबर पे रखना मशीन को, क्योंकि अगर महीन रखोगे मतलब 1 या 2 नंबर पे तो सिलाई करना बहुत मुश्किल होता है और कई बार सुई टूट भी जाती है। तो हमेशा 5 नंबर पे सिलाई करना। हाँ ये है कि 5 नंबर में काफ़ी बार हमें ये लगता है मजबूती ना आए, तो आप चाहो तो वहाँ पे सिलाई को 2 बार लगाओ ताकि मजबूती भी आएगी और फिनिशिंग भी आएगी। तो मैंने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है, अभी मैं करूँगी नीचे से इसकी फोल्डिंग। जब फोल्डिंग करो तो ध्यान रखना कि जो हमारी पॉकेट है उसको हमें उस फोल्डिंग के अंदर की साइड लेना है, इस तरीके से। ये चीज हमें ध्यान रख के करनी है, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो हमारी पॉकेट बनी हुई है वो अपनी जगह पे स्थिर रहेगी। अदरवाइज जब हम हाथ डालते हैं तो वो हुड्डी के नीचे से भी दिखेगी, क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो लेंथ और विड्थ है वो ज्यादा रहती है, क्योंकि हाथ हम पूरे डालते हैं। तो इसीलिए आपको इस फोल्डिंग के साथ उसे अटैच कर देना है। तो ये हमारी फोल्डिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। अभी इसके बाद करेंगे हमारी जिप को अटैच, और उसके बाद करनी है हमें कैप को अटैच। तो 2 कमा हमारे बाकी है, उनको करेंगे हम कंप्लीट। जिप को हमें देखो नीचे से अटैच करेंगे, उल्टा करके आपको इसके ऊपर रखना है और एक सिलाई बिल्कुल यहाँ कॉर्नर पे हमें लगानी है। इसमें ध्यान रखेंगे नीचे का जो फैब्रिक है वो बिल्कुल भी खींचना नहीं है आपको, इस तरीके से बिल्कुल कॉर्नर पे आराम से लग जाती है ये सिलाई। इस तरीके से पूरी चैन को अटैच कर लेना है दोनों साइड से। दोनों साइड सिलाई मैंने लगा ली है। अभी आप ऊपर से देखें कि दोनों लेयर नीचे वाली कौन सी है उसके अकॉर्डिंग मार्क कर ले। और जब चैन को कट करें तो ये ध्यान रखना कि जो हमारी चैन है वो हमें नीचे लेके आनी है। अदरवाइज बहुत सी बार होता है हम जल्दबाजी में सीधा कट कर देते हैं और वो चैन हमारी खराब हो जाती है। अभी इस फैब्रिक को इस तरीके से देखो, ध्यान से देखना मैं चैन किस तरीके से, ऊपर से हमें एक और सिलाई लगानी है यहाँ पे। फैब्रिक को बिल्कुल ऐसे चैन के पास करके एक और सिलाई यहाँ से ऊपर की तरफ हम लगा देंगे।
इस तरीके से हमारी चेन बहुत सुंदर बनती है और बहुत ही प्यारी फिनिशिंग आती है। तो ये चेन हमारी अटैच हो चुकी है बहुत ही प्यारी फिनिशिंग के साथ। सेम इसी प्रोसेस के साथ दूसरी तरफ से भी अटैच कर लेना। तो अभी मैंने गले को मार्किंग की है कि मेरा गला जो है वो कितनी विड्थ का है। आप भी अपने गले की पहले विड्थ देखें, उसके अकॉर्डिंग ही आप कैप को रेडी करें, क्योंकि ये कई बार किसी का ज़्यादा आता है तो किसी का कम, उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। मेरा है 18 inches, तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग फोल्डिंग की है। आपका भी जितना आए उसी के अकॉर्डिंग आप कैप की फोल्डिंग करना। यहाँ पे मैंने देखो कैप की एक ही लेयर पे सिलाई लगाई है, डबल फोल्ड से नहीं किया, क्योंकि जब आप अगर ये फैब्रिक यहाँ से आपने डबल फोल्ड कर लिया तो वो बहुत मोटा हो जाएगा और चैन के साथ उसको अटैच करना बहुत मुश्किल है। इस तरीके से कैप को अटैच मैंने कर लिया है, देख सकते हो आप। यहाँ पे भी डबल सिलाई लगानी ऊपर से, और ये हमारी हुड्डी का है फाइनल लुक। तो ये आपको कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और इस वीडियो से अगर आपने भी अपने लिए हुड्डी बनाई है तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर करना। मिलते हैं ऐसी वीडियोस के लिए नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अभी रेगुलर आपको वीडियोस मिलती रहेगी। देख सकते हो आप कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है, और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। और थैंक यू सो मच एवरीवन कि हमारे इंस्टाग्राम पे 100K कंप्लीट हो चुके हैं। आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह बना रहे, और अभी हम यूट्यूब पे रेगुलर रहेंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि आप यूट्यूब पे भी हमें इसी तरीके से सपोर्ट करेंगे।